हेलो दोस्तों, आज आपका रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे सत्र में स्वागत है। पिछले सत्र में हमने रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक टर्मिनोलॉजी और प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में पढ़ा था। इस सत्र में अब हम संपाती रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले संपाती की परिभाषा जान लेते हैं। जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा या एक से अधिक रेखाएँ होती हैं तो उन रेखाओं को संपाती रेखा यानी कि कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। हम रैखिक समीकरण युग्म में संपाती का उपयोग क्यों करते हैं, चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक रैखिक समीकरण 3x + 4y = 6 को लेते हैं। हम इस समीकरण की ग्राफ पर एक सीधी रेखा बनाएंगे और अब हम जानते हैं कि इसे कैसे करते हैं, जो कि पहले हमने सीखा था। तो हमें कम से कम x और y के लिए दो मान चाहिए और वो मान इस समीकरण को तृप्त करना चाहिए। यानी कि अगर मैं बाएं पक्ष में मान रखूं तो मुझे वो दाहिने पक्ष के मान के बराबर मिले। चलिए शुरुआत करते हैं और x का मान 2 लेते हैं। तो ये 3×2 = 4×0, यहाँ y को 0 होना चाहिए जिससे यह समीकरण का दायां पक्ष 6 के बराबर मिले। तो हमें x और y के लिए पहला मान मिल गया, x बराबर 2 और y बराबर 0। चलिए x और y के दूसरे मान निकालते हैं। चलिए इस बार x बराबर -2 लेते हैं। तो ये 3×-2 + 4×3, यहाँ पर y का मान 3 होना चाहिए जिससे हमें यह समीकरण का दायां पक्ष 6 के बराबर मिले। तो हमें यहाँ पर x बराबर -2 और y बराबर 3 मिला। अब हमारे पास समीकरण 3x + 4y = 6 के x और y के दो दो मान हैं। तो चलिए इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाते हैं और इस समीकरण के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त करते हैं। यह हमारा समीकरण है 3x + 4y = 6 और x और y के लिए पहला मान है x बराबर 2 और y बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 है, इसलिए बिंदु x अक्ष पर होगा। अब x और y का दूसरा मान है x बराबर -2 और y बराबर 3। x बराबर -2 यह x अक्ष के ऋणात्मक अक्ष पर है और y बराबर 3 यह y अक्ष पर है। तो यह बिंदु यहाँ पर होगा। चलिए अब इन बिंदुओं को मिलाते हैं। तो हमें इस समीकरण 3x + 4y = 6 के लिए एक सीधी रेखा मिली, क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। चलिए एक और समीकरण 6x + 8y = 12 को लेते हैं। हम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे जो हमने इस समीकरण के लिए किया है। हमें x और y के कम से कम दो मान चाहिए जिससे कि हम ग्राफ पर एक रेखा बना सके, और वो मान इस समीकरण को तृप्त करना चाहिए। यानी अगर मैं बाएं पक्ष में मान रखूं तो मुझे वो दाहिने पक्ष के मान के बराबर मिले। चलिए मान लीजिए x का मान 0 है, तो 6×0 + 8×, यहाँ पर y को 1.5 होना चाहिए ताकि हमें दाहिने पक्ष में 12 मिले। तो हमें x और y के लिए पहला मान मिल गया, x बराबर 0 और y बराबर 1.5। चलिए x और y के दूसरे मान के लिए बढ़ते हैं। इस बार मान लीजिए x का मान 6 है, तो 6×6 + 8×3, यहाँ y को -3 होना चाहिए ताकि हमें दाहिने पक्ष में 12 मिले। तो इस समीकरण के लिए दूसरा मान है x बराबर 6 और y बराबर -3। चलिए इन बिंदुओं के उपयोग से इस 6x + 8y = 12 समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 3x + 4y = 6 समीकरण की रेखा पहले से ही है। अब हम इस 6x + 8y = 12 समीकरण की रेखा बनाएंगे। तो x और y के लिए पहला मान है x बराबर 0, y बराबर 1.5। अब क्योंकि x का मान 0 है, इसलिए यह बिंदु y अक्ष पर होगा, यहाँ पर 1.5 पर।
दूसरे बिंदु x बराबर 6 और y बराबर ऋण 3 है। तो x 6 है और y ऋण 3, जो कि y अक्ष के ऋणात्मक अक्ष पर होगा। तो यह बिंदु यहाँ होगा। चलिए अब इन बिंदुओं को मिलाते हैं। तो हमें समीकरण 6x धन 8y बराबर 12 के लिए एक सीधी रेखा मिली। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही समीकरण एक ही रेखा बना रहे हैं, जबकि हमें दो अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग रेखाएं मिलनी चाहिए थी। पर यहाँ पर दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल गई हैं, और हमें दोनों ही समीकरण के लिए एक ही रेखा मिली। ऐसे ही रैखिक समीकरण को संपाती रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ऐसी स्थिति में रेखा के सभी बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं और इन उभयनिष्ठ बिंदुओं को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपरिमित संख्या में उभयनिष्ठ बिंदु है। आपको पता होना चाहिए कि ये उभयनिष्ठ बिंदु ही इसका हल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अपरिमित संख्या में हल है। तो दोस्तों, संपाती रेखाओं के बारे में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन रेखाओं के अपरिमित संख्या में हल मिलते हैं, यानी कि अपरिमित संख्या में उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं। और क्योंकि हमें इस रैखिक समीकरण के हल मिले, इसलिए हम इन्हें संगत रैखिक समीकरण कह सकते हैं, और इन्हें आश्रित यानी कि डिपेंडेंट रैखिक समीकरण भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इसे आश्रित रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं। हमारे पास ये दो समीकरण हैं। चलिए पहले हम इस समीकरण को समझते हैं। इस समीकरण में दोनों तरफ दो से गुणा करते हैं तो हमें 6x धन 8y बराबर 12 मिलेगा। ये कुछ और नहीं बल्कि समीकरण 2 ही है। चलिए अब हम इस समीकरण को लेते हैं। इस समीकरण को दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो इसे भाग देने के बाद हमें 3x धन 4y बराबर 6 मिला। आप देख सकते हैं यह बिल्कुल पहले समीकरण के जैसा है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि अगर पहला समीकरण नहीं होता तो हमें दूसरा समीकरण भी नहीं मिलता, जो कि इसके ही जैसा है, और अगर दूसरा समीकरण नहीं होता तो हमें पहला समीकरण भी नहीं मिलता, जो कि इसके ही जैसा है। तो इससे हमें यहाँ पर यह समझ में आया कि दोनों ही समीकरण एक दूसरे पर आश्रित यानी डिपेंडेंट हैं, इसीलिए इन्हें आश्रित यानी डिपेंडेंट रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस सत्र में हमने यह सब सीखा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।